इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में नगर निगम घोटाला अब अन्य विभागों तक भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एमजी रोड पुलिस ने 3 निजी कंपनी के संचालकों पर प्रकरण दर्ज किया है। वहीं तीनों फरार आरोपियों पर पहले से ही अन्य मामले भी दर्ज हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एमजी रोड थाना प्रभारी विजय सिसोदिया के मुताबिक हरीश श्रीवास्तव द्वारा शिकायत की गई कि नगर निगम के टेचिंग ग्राउंड पर कचरे को एकत्रित करने के लिए पोकलेन मशीन की आवश्यकता थी। उसी के लिए मोहम्मद जाकिर निवासी मदनी नगर, कंपनी किंग कंस्ट्रक्शन, मोहम्मद सिद्दीकी निवासी मदनी नगर ग्रीन कंस्ट्रक्शन, राहुल वडेरा कंपनी जानवी इंटरप्राइजेस निवासी आशीष नगर, तीनों ही कंपनी और कंपनी के संचालक के द्वारा टेचिंग ग्राउंड पर पोकलेन मशीन लगाने के नाम पर पहले तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में करवाया गया और फिर उसके बाद में मिली भगत के माध्यम से पोकलेन मशीन का कार्य दर्शाते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिल प्रस्तुत कर दिए गए और खाते में करोड़ों रुपए को हस्तांतरित करवाया गया। पूरे मामले में नगर निगम द्वारा 5 दिन पहले एक शिकायती आवेदन थाने पर प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद से पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने अवलोकन करने के बाद जांच पड़ताल शुरू की और तीनों ही कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। वही धोखाधड़ी 4 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। कल सहायक लेखा अधिकारी हरी श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर ट्रेंचिंग ग्राउंड घोटाला, जिसमें देवगुराड़िया स्थित में पोकलेन लगाने की बात को लेकर बायो रेमेडिएशन के नाम से 4,69,00,000 का भुगतान 3 फर्मों के उसमें हुआ है। ये 19 की फाइलें तैयार की गई थी, इसमें किंग इंटरप्राइजेज जिसमें जाकिर है उसका आरोपी और ग्रीन कंस्ट्रक्शन ग्रीन इंटरप्राइजेज जिसमें सिद्दीक हैं और जानवी के राहुल बडेरा, ये तीनों आरोपी पूर्व से हमारे प्रकरणों में न्यायिक अभिरक्षा में, इनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके इन प्रकरणों में पुनः पूछताछ की जाएगी। सर कितने आरोपी बने हैं और क्या नाम है? इसमें 3 आरोपी बने हैं, जाकिर सिद्दीक और राहुल बडेरा, जो पूर्व से अभी न्यायिक अभिरक्षा में पूर्व प्रकरणों में, माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके इनको पुनः पूछताछ की जाती है। किस तरह से इन्होंने टेचिंग ग्राउंड में घोटाला करा, क्या कर रहे हैं? इसमें भी यही प्रक्रिया जैसे ड्रेनेज में हुआ था, सीधे ऑडिट हुआ और ऑडिट के बाद लेखा से भुगतान हो गया, संबंधित शाखा में उसका इंद्राज नहीं पाया गया। Thank you.